प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं शनि के मार्गी होने से किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। 6 सितंबर से लेकर मई 2019 तक मेष से लेकर मीन तक राशियों का हाल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ आप बने रहे, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 6 सितंबर 2018 की शाम को 5:02 पर शनि मार्गी हो गए हैं। शनि अब 6 सितंबर से लेकर 1 मई 2019 तक मार्गी रहेंगे। शनि के मार्गी होने से मकर राशि पर 7:30 शुरू हो चुकी है। तुला राशि वालों पर शनि की छाया समाप्त हो रही है। शनि की सीधी चाल कई राशियों को फायदा दे सकती है, कईयों के लिए मुश्किलें बढ़ा भी सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राशि वीडियो स्क्रीन पर मेष है। तो मेष राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना क्या संदेश देता है। तरक्की और आर्थिक फायदे मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। बुरा समय अब खत्म होने वाला है। व्यापार और नौकरी के कामकाज में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। मतलब शनि का मार्गी होना मेष राशि के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है, शुभ संकेत लेकर आया है। और एक बुरा समय मेष राशि वालों का समाप्त होने वाला है। मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा। अगली राशि वीडियो स्क्रीन पर वृषभ है। कुछ नए काम की शुरुआत करने का समय, नई योजना पर किया गया प्रयास सफल होगा। कानूनी मसलों में अड़चन आने की पूरी संभावना है। नौकरी पैसा वालों के लिए साल के आखिरी में समय में शुभ रहने वाला है। परिवार में शांति के आसार बन रहे हैं, और हर तरफ से जो खुशखबरी है, शुभ संकेत हैं, शुभ समाचार हैं, वो वृषभ राशि के जातकों को मिलने वाले हैं। मतलब यह गोचर माने या फिर यह मार्गी होना माने शनि का, तो वो आपके लिए वृषभ के लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि मिथुन है। शनि के मार्गी होने पर मिथुन राशि वालों को भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। पिछले काफ़ी समय से चली आ रही बड़ी परेशानी से राहत मिल सकती है। कार्यस्थल पर मान सम्मान आपका बढ़ेगा। नए साल की शुरुआत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मतलब जैसे ही 2019 लगेगा तो आपको एक नई साल की जो शुरुआत है वो मिल सकती है। कुल मिला के यह मार्गी होना आपके लिए शुभ संकेत देता है, अच्छा संकेत देता है। अगली राशि करक है। छठा घर शत्रु और रोग का घर होता है। करक राशि वालों के लिए छठे स्थान में आ रहे शनि से कामकाज में रुकावटें शुरू होंगी। कानूनी मामले भी बढ़ेंगे। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद होने के योग बन रहे हैं। बीमारी परेशान कर सकती है। विदेश यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। नौकरी में बाधा में अड़चन के योग हैं। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। मतलब थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है इस गोचर के दौरान, इस मार्गी होने के दौरान, अन्यथा कर्ज की मुश्किल बढ़ सकती है। अगली राशि सिंह है। सिंह राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना कुछ चुनौतियां लेकर आया है, परंतु स्थान परिवर्तन या जॉब में बदली के योग हैं और नई नौकरी के योग बन रहे हैं। कामकाज में तरक्की और रफ्तार दिखेगी, जिससे आपकी इनकम पहले से कई गुना बढ़ेगी। सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। बस थोड़ी मुश्किलें हैं जिन्हें आप आसानी से पार कर लोगे। बाकी मार्गी होना आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए। अगली राशि कन्या है। शनि की चाल कन्या राशि में चौथे भाव में है, जिसे सुख, माता, वाहन, जमीन जायदाद और आनंद भाव माना जाता है। इस स्थान में शनि के मार्गी होने से सुख सुविधाओं में वृद्धि के संकेत कर रहा है। नौकरी में तरक्की, नया व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहने वाला है, किंतु थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। धैर्य से काम लेना पड़ेगा, अन्यथा कन्या राशि वालों जातकों के लिए समय मुश्किल रहेगा। बाकी गोचर या मार्गी से शुभ संकेत है। अगली राशि तुला है। शनि तुला में मार्गी होकर तीसरे स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, जिसे पराक्रम का भाव कहा जाता है। इस राशि के जातक अपने बुद्धि और पराक्रम के बल पर वह सारी सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे, जिसे करने में वह कई महीनों में प्रयासरत थे या प्रयास कर रहे थे। कठिन मेहनत का फल
अब आपको मिलने वाला है भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। परिवार में चल रहे अनबन समाप्त होने को है। आपको अपना रुख सकारात्मक रखें। स्थान परिवर्तन होगा, बड़े मकान में स्थानांतर की संभावनाएं बन रही हैं। अगली राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के लिए शनि का मार्ग धनभाव से हो रहा है, यानी दूसरे स्थान पर पहले से कमाई के लिए साधन प्राप्त होंगे। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेंगे तो आपके अटके हुए समाधान के योग बन रहे हैं। जीवन में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है और आपके सारे कार्य अब संपन्न होंगे। मतलब हर एक तरीके से आपको सुख शांति समृद्धि वो आपको अब मिलेगी और सारे कार्य आपके बनेंगे, सब ठीक होगा। अगली राशि धनु है। धनु राशि के लिए आय के साधन में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। कई सालों से रुकी सफलता में शनिदेव रुकावटें दूर होंगी। परिवार का साथ मिलेगा। मार्गी शनि धनु राशि के लिए उन्नति के योग बना रहे हैं। सब कुछ आपके लिए अनुकूल है, सब ठीक है। धनु राशि के जातकों को काफ़ी रुकावटें दूर होंगी, मार्गी होंगे तो सब कुछ धनुराशि के लिए उन्नति के जो योग हैं वो बनेंगे। सफलता अब आपके कदम चूमेंगी, आपके निकट होगी। अगली राशि मकर है। मकर शनि की अपनी राशि है और आपके बारहवें भाव के स्थान में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। निवेश से आपको धन लाभ होगा। दुश्मनों पर जीत मिलने की संभावना बन रही है। नौकरी या बिजनेस में भी बदलाव हो सकता है जिससे आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, कर्जा लेना पड़ सकता है। नया साहस से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई नया काम फिलहाल आप शुरू ना करें इस गोचर के दौरान, अन्यथा आपको हानि हो सकती है, लॉस हो सकता है, इसलिए थोड़ा संभल कर सावधानीपूर्वक कार्य करें। अगली राशि कुंभ है। कुंभ राशि के लिए ग्यारहवें भाव में शनि का मार्गी होना शुभ संकेत लेकर आ रहा है। नए अवसर प्राप्त होंगे। शनि की राशि मकर राशि के अलावा कुंभ भी है। मार्गी शनि से इस राशि वालों के लिए फायदा मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। नए साल 2019 में कई प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होने से दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नई नौकरी के अवसर भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, किंतु इसके लिए स्थान परिवर्तन आवश्यक होगा। अंतिम राशि मीन है। मीन राशि के लिए शनि का मार्गी होना शुभ नहीं है। धन की हानि होने की संभावना है। वाद विवाद बढ़ सकता है। साल 2019 में जोखिम भरे निवेश से बचकर रहने की सलाह है। परिवार में मतभेद उभर सकते हैं जिससे आपको नुकसान होने की संभावना है। कार्य में रुकावट, खर्च में बढ़ावा और पति पत्नी के बीच मुटाव के योग बनते हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य से काम लें। 19 में आपके लिए ये सारी मुश्किलें परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर चलें। इसके अलावा जीवन से जुड़ी कोई और समस्या है, जैसे विवाह को लेकर है, व्यापार को लेकर है, नौकरी में तरक्की को लेकर है, भाग्योदय को लेकर है, अंक विद्या को लेकर है, कुंडली विश्लेषण है, ग्रह क्लेश से मुक्ति है, तो आप स्वामी जी का नंबर वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सीधे भी उनसे बातचीत करके आपकी समस्या का समाधान उनसे ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, ये छोटी सी रोचक जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।